नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई बिगेस्ट क्लासेस में। करंट अफेयर का पार्ट वन दोस्तों, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट किए थे, वो आप लोगों को मिल गया होगा और आपने देखे भी होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं। पार्ट टू है दोस्तों, इसमें भी हम 200 प्रश्न को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से हम आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों ये दे देंगे। कल भी इसका एक वीडियो प्रॉपर आपको मिल जाएगा और परसों भी दोस्तों कम से कम 300 प्रश्नों का वीडियो आपको मिलेगा। तो 1000 प्रश्नों का लगभग हम 1.5 साल का ये पूरा करंट अफेयर शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपका ये सवाल भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि सर 2021 के हिसाब वाला जो पेपर होगा, जैसे 4 अप्रैल को होना था, या फिर 2022 के हिसाब से जो पेपर हो रहा है, तो दोनों में से कौन सी करंट अफेयर बढ़िया रहेगी। दोनों ही करंट अफेयर को दोस्तों मैं इसमें शामिल करता हुआ चल रहा हूँ, यानी कि पूरे 1.5 साल का ये करंट अफेयर होने वाला है। तो आप बहुत ध्यान से दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज की तरह आपको काम करेगा, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ। तो अच्छे से हम इसे कवर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, ये राज्य में स्थित है। होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक, सभी को पता है, ये स्टेटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ए आंसर इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर अनावृत किया गया है? तो इसको ध्यानपूर्वक देखें, शेरा नामक शुभंकर पंजाब से आया है दोस्तों, है ना, शेरे पंजाब, शेरा, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट करेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा परीक्षा में, अगर ये प्रश्न आता है तो। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है, है ना? तो किस देश में मिला है, कितना बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर ये, ठीक है ना। पाकिस्तान में मिला है दोस्तों। कहाँ पे मिला है? पाकिस्तान में मिला है। राइट आंसर बी होगा इसके लिए, ठीक है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, है ना? तो कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे एक विकल्प आपको उपयुक्त सभी वाला दिखाई दे रहा होगा, अर्थात यही ठीक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अदिति अशोक हुंडई के लिए, जी ए बी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के लिए, और मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हैं दोस्तों। डी विकल्प इसके लिए परफेक्ट आंसर है हमारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन फाइव है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात पहले बंगलुरु हुआ करता था, तो अब उसकी जगह कौन सा और राज्य आ गया है, है ना, मतलब कौन सी राजधानी आ गई। क्वेश्चन फाइव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर दिल्ली, है ना, सी विकल्प बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है, है ना? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, राइट आंसर बी रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन सेवन पे आते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? भारत और बांग्लादेश, तो आप उधर से कोरिलेट करने का प्रयास करिए, है ना, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, त्रिपुरा दोस्तों इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर रखी गई, त्रिपुरा की सीमा पर। क्वेश्चन एट पे आते हैं। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है, है ना, पुनौरा धाम, तो पुनौरा धाम कहाँ पड़ता है हमारा, तो ये पड़ता है सर बिहार, जगह पड़ती है सीतामढ़ी बिहार में, ठीक है ना, ए आंसर इसके लिए ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नाइन पे आ जाते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है, है ना? तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में जो आरिफ खान थे, पहली बात तो यह है कि आरिफ खान खेलते क्या है, ये हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अल्पाइन स्काइंग करते हैं, अल्पाइन स्काइंग करते हैं, ठीक है, डी आंसर इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में अब तक सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा लखनऊ में किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश जीके में भी काम करेगा, उत्तर प्रदेश करंट में काम करेगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, बी आंसर ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। 75वें अमृत महोत्सव जो कि हमने भी कल ही मनाया है, ठीक है ना, तो सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में किया गया है, अच्छा प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना इसको। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में किया गया है, ये सी आंसर ठीक है। 12 क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? बढ़िया प्रश्न रहेगा दोस्तों, कृषि से संबंधित प्रश्न जहाँ बनते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वहाँ से आ जाएगा, ठीक है, सी विकल्प इसके लिए ठीक रहेगा। 12 का राइट आंसर कर्नाटक।
13 प्रश्न भी आते हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय में 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा, क्योंकि रक्षा मंत्री आजकल यही है अपने, ठीक है ना, तो इन्हीं के द्वारा किया गया है। 14 प्रश्न पे आते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 14 वाले को ध्यान देंगे, ठीक है, रूस इसका राइट आंसर रहेगा जो यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है आजकल, ठीक है। 15 प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है। कोन्याक जनजाति ऐसे उत्तर प्रदेश का पूछ लेता है तो आपको पता है सर, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से देखिए, ये उत्तर प्रदेश को टारगेट करके एग्जाम में अपना फॉरेस्ट वाला, तो ज़्यादातर संभावना यह है कि करंट का भी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो यूपी जीके को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, ठीक है ना। और अगर बाहर से कोई प्रश्न डालेगा जनजाति संबंधी, आपको पता है एक दो क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, इसके ऊपर समय नहीं है वरना एक वीडियो भी कर लेते हैं जनजातियों से संबंधित। तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक, ठीक है ना, सी विकल्प ठीक है। 16 प्रश्न, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर किस संस्था ने, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी बात। तो नीति आयोग दोस्तों इसकी पहल करने वाला है इनके साथ मिलकर, ए आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 वाला, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वैधशाला विकसित करने का निर्णय लिया। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वैधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। 17 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है सर हमारा इसरो, ठीक है, ISRO इसरो। 18 क्वेश्चन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा के किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है, तो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। 19 प्रश्न है हमारा, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की नवी बैठक की मेजबानी की, ठीक है, तो ये की थी भैया भूटान ने, किसने की थी, भूटान, बी आंसर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे तो ये नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली, ए आंसर इसके लिए ठीक है। 21 प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया, तो ये किया गया है गाजियाबाद में, बी आंसर इसके लिए ठीक है, गाजियाबाद में दोस्तों किया गया है, ठीक है। चलिए ये भी यूपी करंट से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है हमारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है, बहुत लंबा समय है, 66 मिलियन वर्ष है ना, तो चीन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सी आंसर ठीक है, चीन ऐसी घोषणा कर रहा है। चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। 22-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाना है ना, बढ़िया प्रश्न हो सकता है ये, 400 कितना हो जाएगा, 400 ठीक है, विकल्प इसका 400 ठीक है बच्चा, बी वाला। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है, तो देखिए उपयुक्त तो सभी वाला एक विकल्प हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर समझ में आ जाएगा, है ना, आराम से देख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि एक बुक्स पूछी जाएगी दोस्तों करंट की और रचनाओं से संबंधित हिंदी में, तो काफी प्रश्न आएंगे यहाँ से। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, है ना, इन दोनों ने मिलकर के किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, है ना, तो WISER कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों इन्होंने की है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये रिपोर्ट मैं दोस्तों करा दूंगा आपको लगभग 17 और 18 के बीच में, ठीक है ना, यानी कल और परसों में जो बन रिपोर्ट अपनी बन सकती है, जहाँ से फॉरेस्ट का एक आध क्वेश्चन निकल सकता है अपना।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में बनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बनावरण कितना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बनावरण में नंबर एक रखता है, कौन सा जिला है जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो उनको वन रिपोर्ट 2021 वाली, लेटेस्ट 2021 वाली हमारे पास, उसको हम डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरा एक सेशन करूँगा, इस टेंशन नहीं लेना। 21.71% के आसपास दोस्तों हमारे यहाँ बनावरण, पूरे भारत की बात हो रही है, ठीक है ना, पूरे भारत की बात हो रही है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है हमसे, ठीक, 21.71%। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 27, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्ध पोत को सेवा मुक्त किया गया जिसे दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है, ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये रक्षा करंट जो होती है वहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन एक दो बनते हैं, है ना। आईएनएस खुकरी ध्यान रखना बच्चा, आईएनएस खुकरी है, ठीक है ना। चलो 28 प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड ऑफ द ईयर, किसे किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुन लिया गया है, ठीक है। ऐसा होता है, हर साल एक वर्ड चुना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी वाला, ठीक है ना, पर सर्वेंस, है ना, इसको देख लेना आप, सी वाला विकल्प इसके लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, ठीक है ना। किसने निकाली है रिपोर्ट, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पे सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर है भैया जम्मू कश्मीर, है ना, सबसे अशांत इसको कहा जा सकता है, घाटी के रूप में देखा जाता है, सबसे अशांत घाटी है ये भारत की आज भी। अब तो थोड़ी शांति देखी जा सकती है लेकिन अब तक दिक्कतें थी, ठीक है। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, 30 वाला प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना, है ना। तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं, है ना, इंद्रधनुष ये पूछा भी गया है दोस्तों, है ना, बी इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं बच्चों के लिए इंद्रधनुष योजना काम पहले से ही कर रही है, इसका अगला वर्जन 4.0 आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 31 प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसको किया गया है दोस्तों, इसका जो राइट नितिन गडकरी को, राइट आंसर सी हो जाएगा, नितिन गडकरी। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, सी आंसर इसके लिए बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS, है ना, और ARROG ऋण योजना शुरुआत की है, 33 का जो राइट आंसर हमारा रहेगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, सिडबी ने इसको किया है, सिडबी बी आंसर, सिडबी एक भारत की संस्था है। 34 क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है, है ना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने पा लिया है दोस्तों, तो राइट आंसर हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 35 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है कि सर आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, इंदौर ने किया है, है ना, केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू कर दिया है, तो इंदौर, ठीक है ना। चलिए, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है, 36 का राइट आंसर क्या होगा बच्चा, तो डाबर हो जाएगा, डाबर कंपनी का आपने नाम काफ़ी सुना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 37 पे, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी की फिल्में तो आपने काफ़ी देखी होंगी। चलिए, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, 38, तो क्यूट तंबाकू, है ना, तंबाकू छोड़ो, बी आंसर। 39 प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है, 39 का राइट आंसर होगा दिल्ली के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, बी आंसर, ठीक है। चलिए, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है, कितना घाटा दिखाया जा रहा है दोस्तों बजट 2022-23 के अंतर्गत, तो दिखाया जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलो, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई, P3 से क्या तात्पर्य आप समझते हैं, P3 का मतलब तीन बार P,
तीन बार थ्री, डब्लू थ्री का मतलब तीन बार डब्लू 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 होता है ना, इस तरीके से इसको शॉर्ट में लिख जाने का चल पड़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। प्रो प्लेनेट प्यूपुल, प्रो प्लेनेट प्लेनेट प्यूपुल, ठीक है, पी थ्री का ये मतलब होता है ना। चलो सी आंसर। वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो 42 का राइट आंसर सर महाराष्ट्र बन गया है। चलो, कृषि अपशिष्ट और जैव उत्पादों में परिवर्तित कर औद्योगिक प्रौद्योगिक विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के सॉल्ट अर्थ सॉल्ट पुरस्कार में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43 का राइट आंसर होगा विद्युत मोहन को, विद्युत मोहन को दोस्तों किया गया है, ठीक है ना, विद्युत नाम है देख लेना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो सभी सम्मिलित हैं दोस्तों, है ना, हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदर ने लिखी है ना, सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन शेफी किदवई, है ना, एक्चुअली आई मीट देम द मेमोर गुलजार ने लिखी, और ये सब ठीक है बिल्कुल, ठीक है, डी आंसर इसके लिए ठीक है दोस्तों। चलो, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021, नाम याद रखना, फ्यूचर टेक किसके द्वारा किया गया था दोस्तों ये आयोजन इसका? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ, सी आंसर ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी का बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? था ना, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा? तो कोच्चि केरल में, सी आंसर। 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोर मिनीफेरल रिसर्च एवं उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर सर राजीव निगम को, राजीव निगम को चुना गया है, ठीक है ना। चलिए 48 प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो किसने किया है बच्चा ये? तो ये किया है MSME मंत्रालय ने, है ना, जिसके तहत काफ़ी सारे लोन सरकार ने बांटे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा सर। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टेच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो स्टेच्यू ऑफ वननेस का संबंध हमारा आदि शंकराचार्य से है, आदि शंकराचार्य से। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों इस सेट के हमने कंप्लीट किए हैं, चलिए अगले सेट पे आपको लेके चलते हैं। चलिए अगले सेट पे आ जाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे लगभग 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 200 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, 50 अभी इसी में करे हैं और 50 इनको कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो PR श्रीजेश को दोस्तों दिया गया है ये, ठीक है ना, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है UAE ने, UAE ने। चलिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाना है मध्य प्रदेश में, ए आंसर इसके लिए ठीक है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है सूरत में बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर चिनाब नदी पर, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो ये हो गया है भैया हमारा अमेरिका, सी आंसर ठीक है इसके लिए। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो 7 का राइट आंसर सर होगा छत्तीसगढ़ ने की है सर ये। चलिए, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू है ना ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया भैया? नीरज चोपड़ा को, ठीक है ना, किसको? नीरज चोपड़ा को, जो भाला फेंक में गोल्ड जीत के लाए हैं, ठीक है ना। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन सा है? 9 का राइट आंसर है सर चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर। IPL से संबंधित भी दोस्तों एक आध क्वेश्चन देख के चलेंगे अपने, ठीक है ना, उसके ऊपर IPL और जो क्रिकेट से मतलब जो खेल जगत है उससे संबंधित जो मैन मैन टॉपिक बनेंगे उनको हम एक छोटा सा वीडियो करके उसका 20-25 मिनट का कवर कर लेंगे।
क्वेश्चन 10, किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है सर, भारत ने जीता है, ये सी आंसर। ठीक है, 11 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस जेएनयू की हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? सवाल ये था हमारा, ठीक है ना। तो किसको किया गया भैया? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को, ए आंसर ठीक है इसके लिए, है ना। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को किया गया है। 12 क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किस देश ने जीता है सर? चीन ने जीता है, बी आंसर ठीक है। 13 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश हमारा बन गया है भारत। कौन बना है? भारत, ठीक है ना। कोविशील्ड और कोवैक्सीन खूब लगवाई होंगी आप लोगों ने। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता? गणतंत्र दिवस परेड जो 2022 में हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार कौन ले गया था? तो उत्तर प्रदेश ले गया। उत्तर प्रदेश करंट के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा बच्चा, ये ए वाला प्रश्न, 14 का राइट आंसर ए। 15 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 2028 की ओलंपिक के किन किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की गई है? किन किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की जा रही है? तो ये सभी खेलों को शामिल करने की, सर्फिंग है ना, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में शामिल किया जा सकता है, डी आंसर इसके लिए ठीक है सर। चलिए 16 प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा बन गया है? देखिएगा राइट आंसर, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा ये, ठीक है ना। INS ध्रुव है ना, INS ध्रुव भारत का पहला आई है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं बच्चा, NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने, इंडिगो के नए प्रबंधक राहुल भाटिया, UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश बने हैं। तो डी विकल्प हमारा ठीक होगा, 17 का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 18 प्रश्न है हमारे सामने। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो किस मंत्रालय से बच्चा इसका संबंध? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। 19 प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? तो लता मंगेशकर का हुआ था, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। चलो 20 प्रश्न पे आते हैं। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या रखी गई थी, है ना? तो ये रखी गई थी दोस्तों, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेट मतलब सूखा, लैंड मतलब आपको पता ही है ना, आर्द्र भूमि, इसका मतलब हो गया एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर, ए विकल्प इसके लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। 21 फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 21 का राइट आंसर है सर, उन्नति हुड्डा ने जीता है सर, ये है ना, जैसे रणदीप हुड्डा वैसे उन्नति हुड्डा। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक को पेंशन पहुँचाने हेतु है ना किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? तो हो जाएगा स्पर्श पोर्टल। क्या है? स्पर्श पोर्टल, ध्यान रखना, स्पर्श पोर्टल। 23 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? होंडुरस एक देश है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा सर सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो, डी आंसर राइट है। 24 प्रश्न, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया ना, जो कि अभी हमने 16 जून को मनाया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 24 का ए, सऊदी अरब, ए आंसर, ठीक है ना। ये सभी खाड़ी देश है, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, मतलब गल्फ कंट्री जिन्हें हम कहते हैं। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? जैसे हमें निर्भर है ना ऊर्जा के, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सब हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कब तक सोच रहे प्रधानमंत्री कि हम खुद इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे? 2047 तक ये संभावना है, अर्थात एक लंबा समय, ठीक है ना। चलिए 26 प्रश्न, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ ढाका में आयोजित किया गया था, 20वां था ये, ठीक है ना। कौन सी फिल्म इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पाई है? तो ये कुंजुगल है ना, कौन सी? कुंजुगल, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा इस तरीके से है, देख लेना आप, ये आंसर इसके लिए ठीक है। पुष्पा बाहुबली वगैरह कुछ नहीं है, ये देख लेना, ठीक है, कहीं आप पुष्पा बाहुबली लगाई हो। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित की गई है बच्चा, अगर आपको आंसर आता है तो लगा दें लखनऊ, ये करंट यूपी करंट के लिए जो क्वेश्चन रहेगा, मैं उसको यूपी करंट उस पर लिखता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझना।
जनवरी 2022 में नियुक्तियों, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पुष्प कुमार जोशी को HPCL, डॉक्टर बी अनंत को मुख्य आर्थिक सलाहकार, विनोद आनंद को जहाँ को है ना PMLA निर्णायक प्राधिकारी के रूप में, यानी कि सभी ठीक हैं। डी आंसर इसके लिए ठीक है। चलिए ये भी इसका राइट आंसर भी डी होगा। जिनका डी आंसर दिया है बिल्कुल आपको आंखें बंद करके लगाना है इस वाली वीडियो में, मैं इनका ना परीक्षा है, ठीक, परीक्षा सोच समझ के लगाना आप, ठीक है ना। मीनाक्षी लेखी, रस्किन बॉन्ड, किरण वेदी, ठीक है ना, तो इनको अच्छे से आप समझ लेना। डी आंसर इसके लिए भी ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है, बिल्कुल सही मेल किया गया है इनको, ठीक है ना। डी आंसर ठीक है। चरणजीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, है ना। मिलिना सालिनी कथक कली करती थी। चिरु आर नागास्वामी है ना पुरातत्वविद साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। तो इनका ये हाल ही में निधन हुआ। डी आंसर। चलो जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश ने सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया था? तो बहुत आंसर आसान है, बुर्किना फासो है ये देश एक, ठीक है ना, बुर्किना फासो। सी आंसर। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? असम सरकार ने एक असम वैभव सम्मान दिया है, ये किस व्यक्ति को दिया है? तो रतन टाटा को दिया है ना, टाटा मोटर्स हमें होंगे आप। चलिए तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तमिलनाडु में कुंडनकुलम है जैसा कि आप जानते होंगे, तो है ना 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, ये कौन देश इसमें हमारी मदद कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारी मदद रूस। कौन कर रहा है? रूस मदद कर रहा है। सी आंसर ठीक है सर। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 34 का राइट आंसर है सर, केरल में किया जा रहा है ये। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? किनको नहीं किया गया था? तो ये अब सबके नाम आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो आचार्य चंदन नाजी को नहीं किया, कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत है ना, सुश्री प्रभा अत्रे, इन सबको किया गया है। तो डी आंसर सही होगा इसका, है ना, इनको नहीं किया गया है। 36 जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित नीरज चोपड़ा को किया गया है, बच्चा ध्यान रखना ये, ठीक है ना। आप पहुंच गए होंगे सेना में, ठीक है कि सर सेना में से किसी को मिला, वो नहीं। 37 हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? 37 एकदम बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। मरक्कर और जय भीम दोनों ही है दोस्तों, ये दोनों ही मरक्कर और जय भीम, तो सी आंसर इसके लिए ठीक है। सी आंसर इसके लिए ठीक आंसर है। चलिए 38 क्वेश्चन। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था उसकी मेजबानी किसने की है हाल ही में? तो नरेंद्र मोदी ने की थी, सी आंसर, ठीक है ना। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, भी क्वेश्चन पूछा था लेखपाल में, तो चीन लगा देना उसका, ठीक है ना। चलो किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? 39 का जो राइट आंसर होगा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? केरल। 40 क्वेश्चन। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों ये? तो ये हुआ पेरू, है ना, जिसकी राजधानी लीमा है। चलो आगे आ जाते हैं। 41 हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन वन कह रहा है इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। कथन दूसरा कह रहा है इनमें महिला एकल खिताब का एस्लो वार्टी ने जीता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो हाल ही में आयोजित किया गया है ये, उसके बारे में हमें दो कथन दिए और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ठीक है या फिर कौन सा गलत है, ठीक है। दोनों ही सही है बच्चा ये, ठीक है ना। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, महिला एकल का खिताब एस्लो वार्टी। इसमें से क्वेश्चन आता है विंबलडन से आ जाए, ऑस्ट्रेलियन से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, ठीक है ना। ये चार तरह के ओपन होते हैं, यहाँ से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। सी आंसर ठीक है, देख लेना इसके लिए। चलो 42 जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? तो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना कहाँ पर देखने को मिली है? तो टोंगा में देखने को मिली है, टोंगा में, ठीक है। चलिए 43 प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? इसको पहले भी क्वेश्चन में हमने कवर कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा तो गुरुग्राम है ना, जो कि हरियाणा में पड़ता है। 44 भारत ने किस देश की मदद के 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है भारत ने, ठीक है ना। 44 इजराइल के, भारत खुद तो अपने गांव तो बदल ले पहले, इजराइल के बदलने चला है, मतलब ये नहीं दिखाई देता बिल्कुल नेताओं को। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां किया? कैनाल लॉक का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है बच्चा? तो ये किया गया नीदरलैंड, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया की बात है ये। चलो 46 केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल में बीटिंग स्ट्रीट समारोह में हटाने का फैसला किया? ठीक है ना, हमें तो जनगत पिता वरदान, हरे रामा हरे कृष्णा रघुपति रागा, अवॉइड विद मी। हाँ तो देखिए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला, अवॉइड विद मी, ठीक है ना। मानस जंतु तैने कहिए गांधी जी का, तो बेस्ट वजन वैसे ये तो था, ठीक है ना। चलो
लेकिन उसको नहीं हटाया, उसका नाम भी नहीं यहाँ पर। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो जापान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया बच्चा ये, तो शिंजो आबे को, शिंजो आबे, ठीक है ना, जो कि अभी हाल ही में मारे गए। 48 यूएनडीपी ने किसे यूट्यूबर को भारत का पहला युवा, अच्छा यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है, है ना, कौन सा यूट्यूबर ऐसा है, थोड़ा समझने में मैंने कहा सोचा ये क्या लिखा है ना। तो प्रजाक्ता कोहली है बच्चे, प्रजाक्ता कोहली, ठीक है, प्रजाक्ता कोहली ए आंसर है, ठीक है। इसके लिए एक समय आएगा जब यूट्यूबरों को भी इनाम मिला करेंगे, अवार्ड मिला करेंगे भारत सरकार की तरफ से, है ना, आपको लगता है ऐसा। चलिए 49 क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला, अपना पहला और सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे, है ना, शीहे देख लो ऐसे लिखा जाता है, सीहे जापान की चीनी भाषा में, को लॉन्च किया है 49, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा शीहे कैसे लिखा हुआ है, तो आप समझ गए सर ये चीन की भाषा है, शीहे, है ना, अपने सीहे कैसे लिखते, शी हे इस तरीके से कुछ ऐसे लिखते अपने, है ना, जो कि इंग्लिश में लिखते। तो चलिए, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है, भारत की संसद ने एक ऐप लॉन्च किया है और उसका नाम पूछ रहे हैं, तो ये नाम है डिजिटल संसद, क्या नाम है, डिजिटल संसद। 100 प्रश्नों की तरफ हम दोस्तों बढ़ चुके हैं, अर्थात कंप्लीट कर लिए हैं, अगले प्रश्नों की सीरीज की तरफ बढ़ेंगे और 150 तरह के एक और नए तरह के क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। कुछ आगे के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, अगला सेट जिसमें भी हम 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया, रघुराम राजन को, किसको, रघुराम राजन को, ठीक है ना, ये अपने आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ध्यान रखना। जनवरी 2022 के किस एशियाई देश ने में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड, कजाकिस्तान, सी आंसर इसके लिए, ठीक है। चलिए, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सभी कथन सत्य हैं बच्चा, देख रहे हैं। फिल्म पावर ऑफ द डॉग सबसे मोशन पिक्चर फिल्म ड्रामा पुरस्कार मिला, अभिनेता विल स्मिथ को वेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान, अभिनेत्री निकोल किडमैन को वेस्ट एक्टर और ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है ना। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड मिले हैं 79वें, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो होगा हमारा प्रताप सिंह राणे को, प्रताप सिंह राणे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पांचवे का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो होगा हमारा सभी का सत्य है ना। यहाँ पे देखिए, इसमें खास बात यह है कि इसने 3-4 क्वेश्चनों को एक में ही शामिल कर दिया, जिससे कि बच्चे को सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन से पता चल सके, ठीक है ना। तो ये तीनों कथन जो देख रहे हैं वो सही हैं बिल्कुल। क्वेश्चन 6, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे काउंट हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा सर, धीरेंद्र के झा ने लिखा है इसको, ए आंसर, ठीक है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई हैं, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है सर, आयशा मलिक, सी आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, यूपी करंट का भी रहेगा बच्चा ये, है ना, यूपी करंट। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर, जो अभी हाल ही में शहीद हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 9, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर सर मध्य प्रदेश करेगा इसके लिए। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है, तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा बच्चा बी, 26 दिसंबर को। IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी, 11 क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा ग्रुप्स होगा इसके लिए, ए आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12 पे, 7-9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो 12 का जो राइट आंसर है बी है गुवाहाटी और असम, ठीक है ना। 13, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो 13 का जो राइट आंसर है सर हमारा हो जाएगा सी वाला, कोची बन गया है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ध्यानपूर्वक देखेंगे हो जाएगा। तो इसके लिए सभी देश इसमें बांग्लादेश, उरुग्वे और इनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो डी वाला विकल्प ठीक है। 15 प्रश्न पे आते हैं, बन रिपोर्ट की स्थिति 2021 के अनुसार कुल ऐसे कितने राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र बना आच्छादित है, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों बनेगा जरूर, ध्यान रखना फॉरेस्ट में अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैं इसको करा दूंगा। 17 राज्य ऐसे हैं हमारे, ठीक है। जब इसकी पूरी बन रिपोर्ट हम तैयार करेंगे देखेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन है हमारा, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 16 का राइट आंसर है ना एस सोमनाथ, इसको ध्यान रखना दोस्तों, इसरो के नए अध्यक्ष हैं, है ना, के सिवान को जगह रिप्लेस किया गया, इनको बी आंसर एस सोमनाथ। 17, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए सीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता, जो अभी हुआ था ना पीछे जो पंजाब में इलेक्शन चल रहे थे तो मोदी जी गए थे बीच सड़क पर रुक गए थे, बड़ा न्यूज वायरल हुई थी वो, ठीक है ना। तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, वो इसकी जाँच करेगी, ठीक है। 18 पे 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान मिल गया है। तो ये मिल गया उत्तर प्रदेश, ये यूपी करंट का रहेगा बच्चा, देखना जो यूपी करंट के उन क्वेश्चनों को अलग छांट लेना आप, बिल्कुल आप अलग से सोचते हैं कि कराओ सर, तो यहाँ से यूपी करंट के काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे हैं। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन बन गया है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन बन सकता है, आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, यही हमारे करीबी देश हैं, मतलब जो गरीब हैं जो हमारी चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं। चलिए, जबकि अमेरिका इंग्लैंड के पास तो गूगल पे ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए 20 क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया, भारत ने, ठीक है ना, ध्यान रखना, श्रीलंका को। पता है आप श्रीलंका की स्थिति क्या हो गई है, आप लोगों को आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन अगर पेपर अभी के हिसाब से बना तो। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, ठीक है ना, अमेरिकी सिक्के पर इनकी तस्वीर भी छापी गई है, तो माया एंजेलो हैं ये, माया एंजेलो। जो बन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न काफ़ी अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर, भारत बन स्थिति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य, सभी सत्य हैं बच्चे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बनावरण 21.71 है, बिल्कुल ठीक। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत का बनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की, यानी बड़ा है। टाइगर रिजर्व में बनावरण से सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है, बिल्कुल ठीक है, चारों स्टेटमेंट वन रिपोर्ट से संबंधित हैं ये, ठीक है। 23 प्रश्न पे आएंगे, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था। तो ये किया गया था केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, 24 वाले को आप समझ ही पा रहे होंगे ना। प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं, शैफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, राजकुमार राव है ना, अच्छा रिन्यूवाय कंपनी के एम्बेसडर बन गए, तो डी वाला विकल्प सर इसके लिए ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 25, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई। तो मिशन अमानत किसने शुरू किया है, मिशन अमानत तो ये रेलवे ने शुरू किया है, भारत की जो रेलवे है उसने शुरू किया है बच्चा इसको, ठीक है ना। हाल ही में प्रकाशित ममता ब्योर्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा जयंता घोषाल ने लिखी है, जयंता घोषाल। 27 प्रश्न पे आएंगे, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो 27 का राइट आंसर होगा सर हमारा, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है ना, नरेंद्र कुमार गोयनका AEPC के अध्यक्ष, भारत दलसेना के प्रमुख मनोज पांडे बने हैं, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली बनी है, ठीक है ना। तो डी विकल्प ठीक है सर इसके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 28 पे, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 28 का जो राइट आंसर है सर वो केरल में किया जाएगा, ठीक है ना, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। चलिए, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य शैली में मशहूर थे, ठीक है ना। तो ये तो प्रश्न मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं, कथक करा करते थे, ठीक है ना, कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलो 30, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है, सभी सुमेलित हैं, लोसुंग सिक्किम में, जल्लीकट्टू आपको पता है तमिलनाडु का है ये, है ना, मुदेरे में, लोसार महोत्सव लद्दाख में, बिल्कुल ठीक है ये सभी, ठीक है ना, जो महोत्सव भी मनाए गए हैं हाल ही में उनसे भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है। वर्ष 2021 में फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है। तो रखा गया है भैया नाओमी ओशाका, ठीक है ना, नाओमी ओशाका। चलो
हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ये देख लेना भैया इस आत्मकथा को किसने लिखा है इसको, ठीक है। 32 वाले प्रश्न, अदुरिति भट्टाचार्य, अरुधति भट्टाचार्य ने लिखी, इसी वाला विकल्प ठीक है इसके लिए। 33 प्रश्न पे आ जाओ, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना, तो गुजरात हाईकोर्ट बना है, डी विकल्प इसके लिए ठीक है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता, तो इसका ताज किसने जीता है भैया, तो साइलिन फोर्ड ने, किसने, साइलिन फोर्ड है ना, वर्ल्ड मिसेज वर्ल्ड का है ना, मिसेज वर्ल्ड कौन बना, साइलिन फोर्ड बनी है। चलिए 35, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, ठीक है ना, 35 का राइट आंसर हो जाएगा सर दिल्ली ने किया है ये। चलिए हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, सारथी मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है बच्चा, देखियो जरा 36 का राइट आंसर, ठीक है, तो सेबी के द्वारा किया गया, सेबी सी आंसर। फीका अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है ना, तो 37 का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, है ना, ए आंसर। हिमाचल प्रदेश में आयोजित नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता, 38 का जो राइट आंसर है वो ए है, लद्दाख महिला टीम ने, ए आंसर। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी पहली नई राजधानी घोषित किया, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसको घोषित किया, सवाल ये इस तरीके का है हमारे पास, ठीक है ना, तो नुसांतारा को, है ना, नुसांतारा को किया है। चलो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, तो ये कहाँ पे बनाया गया, तो लद्दाख में बनाया गया, सबसे ऊंची जगह हमारे पास भारत में वहीं पर है। भारत आसियान देशों के किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, तो 41 का राइट आंसर है सर वियतनाम में, कहाँ पे कर रहा है, वियतनाम, तो बी आंसर इसके लिए ठीक है। 42 प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, 42 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सानिया मिर्जा, ठीक है ना, अब ये संन्यास ही ले सकती हैं और कुछ कर नहीं सकती हैं। 43, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो किसने की है, मॉरीशस इसका राइट आंसर है सर, मॉरीशस राइट आंसर है, ठीक है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ये, चलिए महात्मा गांधी के नाम पर। 44, विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसकी थीम है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्या है, विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा 2022 के शिखर सम्मेलन में डिजिटल रूप से किया गया था, इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, ए आंसर। 45, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, 45, ठीक है ना, तो डॉक्टर शारा गिल, डॉक्टर शारा गिल जो कि एक ट्रांसजेंडर है। 46 है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंट के विश्व की 13वीं लोकप्रिय नेताओं की सूची में नेता का स्थान सर्वोच्च स्थान पर, अच्छा 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो नरेंद्र मोदी का हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर, आंखें बंद करके लगा देना बिल्कुल, ठीक है। चलो हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मेलित है, सभी सम्मेलित हैं दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके ऊपर किताब लिखी गई है, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है, ध्यान रखना है इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है इसको, ठीक है। चलिए हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा सर ए, जाह्नवी डांगोती, है ना, जाह्नवी डांगोती। 49 प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया, तो 49 का राइट आंसर है सर जम्मू कश्मीर, बी आंसर। 50 क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत, अच्छा मेरा पानी मेरी विरासत ये है योजना शुरू की है, तो मेरा पानी मेरी विरासत ये हरियाणा ने शुरू किया है दोस्तों, ठीक है, तो हमने 150 क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज में शुरू कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अगली सीरीज पे आ जाते हैं, सॉरी दोस्तों मैं वो अगली सीरीज यहाँ पर हम बना नहीं पाए थे पीडीएफ को, है ना, जो अगले प्रश्न थे, तो उसको हम कल की वीडियो में 250 प्रश्न कर देंगे, है ना, कल की जो वीडियो रहेगी उसमें 250 प्रश्न कर लेंगे, है ना, क्वेश्चनों को। आज के लिए हम 150 ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि वो पीडीएफ तैयार नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हालांकि दो मुझे पता था कि चारों पीडीएफ बिल्कुल तैयार हैं, तो संभव नहीं हो पाया दोस्तों। 150 प्रश्न, इसको आप रात भर में देखिए ना, एक घंटे से 45 मिनट अगर आप इसकी स्पीड को 1.25 की स्पीड पे ले जाके देखेंगे तो 25 से 30 मिनट में दोस्तों इन पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन करना इस समय आपको बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है ना।
अच्छे से रिवीजन करिए, तैयारी करिए, समय बहुत नज़दीक है, 2 से 4 दिन ही हमारे पास अच्छे से बचे हुए हैं। और उसके बाद एक वीडियो में कल लेके आता हूँ इसके ऊपर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब मतलब एडमिट कार्ड वगैरह तो सब आप निकाल लिए होंगे, कल एक वीडियो इसके ऊपर हम तैयार करते हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, है ना, 9 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूला करिए आप, ठीक है, 9 बजे लाइव हिंदी को लेकर के हम आते हैं, 8 से 9 के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।